Yeah, students, assalamu alaikum. Let us continue the lesson. Short story, Rustum and Sohrab. Send for Rustum at once, said the king when he heard the message. Rustum was at that time away in a far off village, staying with his father. When the king's message reached him, he took leave of his father and hurried to see the king. The king said to him, "A great danger threatens our country. The Tatars have invaded our country. The enemy is inside our borders. Who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia?" asked Rustum. और जब बादशाह को उस सहराब की ताकत का अंदाज़ा हो गया तो उसने सोचा कि अब इससे मुकाबला एक ही शख्स कर सकता है, तो वो रुस्तम है, उसने रुस्तम को मैसेज भेजी. उस टाइम जब रुस्तम जब था वो अपने गाँव में अपने बाप के साथ वक्त गुजार रहा था, उसका बूढ़ा अपने बूढ़े बाप की खिदमत कर रहा था. तो किंग ने जब उसे मैसेज भेजी तो जब यूँ ही रुस्तम ने मैसेज सुनी तो वो किंग के पास आया और सारा माजरा जान लिया. तो फिर रुस्तम ने कहा कि ये ऐसा कौन सा शख्स है जो मतलब इस इंसान के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो सोच सकता है कि परिशा पर अटैक कर सकेगा. ये रुस्तम कह रहा है कायकोज से. The journal say he is a beardless youth. He fights with remarkable courage and daring. His name is Sohrab. They say his ambition is to fight you and defeat you. He has sent word asking us to choose a champion from among us to meet him in single combat. You are our champion and swear you will go and fight him. ऐसे कहते हैं ये जनरल फौज के कहते हैं कि ये एक ऐसा बंदा है जो बहुत ही ब्रेव है और इसकी चाहत है कि वो आपसे लड़ेगा और आपको हराएगा. इसकी चाहत है और हमारा जो सर्वाइवर है जो हमें बचा सकता है तो वो रुस्तम ही है. बट आई एम ओल्ड यूर मैजेस्टी एंड आई हैव एन एजड फादर to look after. Couldn't you find a younger man to fight this youth? asked Rustum. रुस्तम इसे कह रहा है कि जहाँ पर ना ये जो मैं रुस्तम जो हूँ मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं कैसे लड़ सकता हूँ, आप किसी जवान को चुन लीजिए इस जवान के साथ लड़ाई करने के लिए और मुझे अपने बूढ़े बाप की देखभाल भी करनी है. इफ़ आई हैड बीन एबल टू फाइंड ए यंगर चैम्पियन आई वुड नॉट हैव कॉल्ड यू अवे फ्रॉम यूर एजड फादर अनलेस यू फाइट दिस यूथ ही हैव वी हैव नो होप ऑफ सेइंग अवर कंट्री. ये कहता है कि अगर मुझे लड़ाई करना ही थी तो मैं मतलब किसी जवान यंग चैंपियन को ढूंढना ही था तो मैं आपको क्यों बुलाता. किंग कहता है रुस्तम से क्योंकि मुझे होप है कि आप ही मेरी कंट्री को इस वक्त बचा सकते हो, तो इस उस जवान से आप ही मुकाबला कर सकते हो, तो अगर मुझे कोई और ही ढूंढना था तो मैं आपको क्यों बुलाता आपके अपने फादर से, मतलब जो आप अपने फादर की वहाँ खिदमत कर रहे थे तो मैं आपको क्यों बुलाता अगर मुझे कोई और बहादुर शख्स मिलता. What a misfortune for Persia that she should be forced to turn to an old man to defeat her, said Rustum. But if I must go, I will go to the battle as a plain soldier wearing plain armor. Let no one know that old Rustum had to be called to fight a beardless boy. So Rustum rode to the battlefield once of the Persian approached him and said. ये कहता है रुस्तम इससे कि अब क्या ज़माना आ गया और क्या दिन आ गए परिशा के लिए, परिशा कंट्री के लिए क्या दिन आ गए कि एक जवान आदमी से एक बूढ़े आदमी को लड़ा रहे हैं, क्योंकि रुस्तम अपने आप को अब बूढ़ा समझ रहा था, कह रहा था कि मैं अब बूढ़ा हो गए हैं, मैं इस जवान से मुकाबला नहीं कर सकूँगा. तो ये कहता है क्या दिन आ गए कि एक जवान आदमी से एक बूढ़े आदमी को लड़ाई करनी पड़ती है. बाद में जब रुस्तम मोटिवेट हो ही जाता है और लड़ जाता, लेकिन ना ही रुस्तम को पता है वो मेरा बेटा है और ना ही सोहराब को पता है कि रुस्तम मेरा बाप है. आखिरकार ये जो इनकी ये लड़ाई दो तीन दिन के लिए जारी रहती है, दो तीन दिन ख़त्म होने के बाद जब ये थकते नहीं है एक दूसरे यानी कि बहादुर दोनों ही थे, सोहराब के रगों में भी रुस्तम का ही खून होता था, जितना बहादुर रुस्तम है उतना ही बहादुर सोहराब भी है, लड़ते लड़ते जब ये थक जाते हैं तो ये जो रुस्तम है, मैं आपको अब ऐसे शॉर्टली बताने चाहती हूँ, बहुत बड़ी कहानी है ये रुस्तम जो है ये जब सोहराब के साथ लड़ता हुआ आता है तो कोई उसे पुकारता है, रुस्तम
क्या कहता है रुस्तुम, तो जब सोहराब आवाज सुनता है ये रुस्तुम तो ये मेरा बाप है, वो तलवार नीचे गिराता है, क्योंकि रुस्तुम पहले से अपने बादशाह से कहता है कि अगर मैं लड़ाई लड़ने जाऊंगा तो उस लड़के को ये पता नहीं होना चाहिए कि मैं रुस्तुम हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उस जवान के हाथों में हार जाऊँ, इसलिए मेरा नाम बहुत बड़ा बहुत ही मशहूर है, अगर मैं उससे हारूँ तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा था, तो इसलिए उस सोहराब को पता भी नहीं था कि मैं किसके साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ। जब वार ख़त्म हो रही थी यानी कि 2-3 दिन गुजरने के बाद ये दोनों बाप बेटे आपस में लड़ रहे थे, तो जब रुस्तुम को किसी ने पुकारा रुस्तुम, तो उसके बेटे से जो तलवार थी वो छूट गई, तो रुस्तुम ने उसी बात का फ़ायदा उठाकर उसके गर्दन को तलवार मारी तो वो गिरकर मर गया। तो उसने उसे कहा कि तुमने, जब उसने उसे देखा कि बेटे तुम कौन हो, जब रुस्तुम को थोड़ी सी फीलिंग हो गई कि ये जवान बेटा कितना बहादुर है, ये मेरा बेटा होना चाहिए, और ये जो सोहराब ये भी दिल में सोच रहा था कि काश ऐसा मेरा बाप होना चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं था कि हम बाप बेटे हैं। जब सोहराब जमीन पर गिर गया तो रुस्तुम ने उसके बाजुओं पर वो प्रेशियस स्टोन देखा, तो उसने कहा कि तुम कौन, उसने उसे बताया कि मैं आपका बेटा हूं, मेरी माँ ने मुझे ऐसे आपको ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपने बाप से लड़ रहा हूं। लेकिन रुस्तुम को बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने अपने ही बेटे को मारा, अपने ही बेटे को अपने हाथों से कत्ल कर दिया, और उसने जब उसका बेटा गिरकर मर गया तो उसने उसे कहा कि आप रो मत, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी मौत जो है आपके हाथों ही हो गई, लेकिन उसे अब कह रहा है कि तुम मुझे अच्छी अपने तौर जिस तरह अपने तौर तरीके से दफना दो, और यानी कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि देखो सोहरा रुस्तुम का बेटा वहाँ दफन है जिसको अपने बाप ने ही मारा। ये बहुत बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है, तो होप आपको ये समझ आई होगी इंशाल्लाह। तो इसके अलावा अब आपको मैं इस एक्सरसाइज कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।